मोदी सरकार पार्ट टू का एक साल पूरा होने पर गोहाना में बीजेपी पार्टी के मंडल के अध्यक्ष अरुण बड़ोक ने शहर में दुकानदारों और घरों में जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को फ्री में मास्क भी वितरित किए। अनलॉक वन लागू होने के बाद पहली बार बीजेपी ने लोगों को फ्री में मास्क दिए हैं। गोहाना मंडल अध्यक्ष अरुण बड़ोक ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ वार्ड नंबर 13 में सभी दुकानों और घरों में जाकर लोगों को मास्क और सरकार का कामों का पत्र दिया है, जिससे उन्हें सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिल सके। ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष आए हुए हैं, जो मोदी जी का पहला साल पूरा हुआ है, दूसरे उसका प्लान का, इसकी जो पहले साल की सारी जो सरकार ने जो जो काम किया है उसका प्रचार करना है, और जो कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो सरकार ने जो जो योजनाएं बनाई थी, लॉकडाउन लागू करा था, उसके बारे में सभी को बताना है। ये धारा 370 का जो जम्मू कश्मीर में इतने सालों से वो जो हुआ था, कांग्रेस ने और बना रखा था, उसको खत्म किया, और अपना CAA ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम का उसको पास करवाया, राम मंदिर का मुद्दा सुलझवाया, असम में जो वो तीन तलाक का जो था मुद्दा, वो तीन तलाक के मुद्दे को इसको भी महिलाओं को बहुत मुस्लिम महिलाओं को उसका बहुत फ़ायदा मिला है। असम में बोडो जो उनसे वार्ता के जो समझौता हुआ है उसका भी बहुत फायदा हुआ है, और ये करतारपुर गलियारा का राष्ट्र को समर्पित हुआ है। बहुत जो और योजनाएं हैं जो एक साल के अंदर अंदर मोदी सरकार ने की है, उसको भाई बूथ वाइज सभी बता रहे हैं। ये 68 नंबर बूथ है, वार्ड नंबर 13 का, तो इस बूथ पे जैसे आए हैं हम, और सभी अपने वर्कर जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, सभी अपने अपने वार्डों में अपने बूथों पर कर रहे हैं। तो ये भारत 9 के लिए गोहाना से सुनील चंदन की रिपोर्ट।